हेलो दोस्तों, आप सब लोग हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों, अभी सुबह हो चुका है और सुबह सुबह देखिए हम लोग आग वगैरह जला लिए हैं और अभी इसी में मकई पकाएंगे। दोस्तों देखिए, तीन ठो मकई है। इधर से जा रही थी जेठी तो हम लोग को दे रखी है, क्योंकि रंगीला जो है पूरा एकदम जिद करने लगा तो एकदम दे दी, एकदम निकाल करके बोरा से। तो अभी हम लोग उसी को पकाएंगे दोस्तों चूल्हा में। देखिए आग वगैरह सब कर लिए हैं, देखिए आग भी मस्त जल रहा है। तब इसको छोड़ाते हैं और झेक देते हैं चूल्हा में, क्या जी? तो पहले मकई का छिलका उतारते हैं दोस्तों। देखिए ये सब ढेठा है मकई का, इसको निकाल देते हैं। देखिए कितना अच्छा दाना है मकई के अंदर, एकदम पूरा एकदम निशान है एकदम, क्या जी? शंकर मकई है ये वाला। हाँ, डाल देते हैं चूल्हा में, इधर पकते जाएगा। हाँ। डाल दिए कविता जी, हम भी डाल दिए। जोंडरा, मकई को जोंडरा भी बोलते हैं दोस्तों हम लोग गांव देहात में, इसलिए रंगीला बोल रहा है जोंडरा। तो सारा मकई डाल दिए दोस्तों आग में, अब इसको धोते हैं। ये सूप है, सूप से हवा लगाते हैं, फटफटा के फूटेगा अभी। देखिए कितना जल्दी पक रहा है, अब इसको उलार देते हैं। देखिए पकना शुरू हो गया, इसको भी इस तरह से उलार देते हैं। ये देखिए, ये तो पक गया एक साइड। देखिए कितना जल्दी पक रहा है मकई, पूरा इसी तरह से सूप में हवा लगाते हैं दोस्तों और अच्छा से मकई को पकाते हैं। और इधर देखिए रंगीला अभी सोया हुआ है, अभी सिर्फ खाएगा ना बाबू। पूरा फूट रहा है, ऐसा पकता है ना तो खाने में भी पूरा एकदम मजा आ जाता है। तो सब मकई पक गया है दोस्तों, देखिए पूरा एकदम बढ़िया तरह से पक गया है। अभी सबको निकाल देते हैं, देखिए पूरा एकदम लाल होके पका हुआ है। लीजिए जी, टेस्ट कीजिए। देखिए सब अच्छा से पका हुआ है, देखिए लावा जैसा एकदम दिख रहा है। तो अब मकई खाते हैं दोस्तों, देखिए पूरा एकदम मेहनत से पकाए हुए हैं, क्या जी? और इतना अच्छा पका भी है ना, पूरा एकदम मजा आ जाएगा खाने में। पूरा एकदम दाना सीज गया है, अब तो मुँह से एकदम हपक रहे हैं ना, गुद नहीं रहा। हाँ वो वाला खींचा है, वो वाला तो और ज्यादा खाने में अच्छा लगेगा। देखिए बहुत ही अच्छा तरह से गुज भी रहा है दोस्तों, ये देखिए पूरा बढ़िया से पका ना तो पूरा एकदम छूट रहा है। और ये वाला दूधाइल नहीं है, ये गादर हो गया है। और पूरा एकदम बढ़िया तरह से इसे फूंक लेते हैं और इसे मुंह में डालते हैं। लो मकई, नहीं खाएगा? खाया है किसका था? अजा पास। तो मकई अगर हम लोग खा लिए दोस्तों और खाना भी खा लिए, अब हम लोग चलते हैं बारी तरफ। उधर हम लोग राहर और तिल बुने हुए हैं दोस्तों, तो उसी को देखने के लिए जा रहे हैं। और उधर बिहन भी किए हुए हैं, तो देखते हैं अगर रोपने के लिए बनेगा तो रोपेंगे अभी। तो चलते अभी हम लोग उधर, उधर बकरी वगैरह भी आते हैं तो हम लोग को घोरना वगैरह भी घोरना पड़ेगा कि क्या, तो देखेंगे किधर किधर घुसते हैं। और देखेंगे दोस्तों अगर उधर लकड़ी वगैरह मिलेगा तो लकड़ी भी लेते हुए आएंगे, है ना जी? इसलिए हम लोग जा रहे हैं, पापा जा रहे हैं और देखिए कविता जी, लक्ष्मी भी साथ में जा रही है और हम भी जा रहे हैं। देखिए एक टांगी भी ले लिए हैं और एक छाता भी ले लिए हैं, क्योंकि पानी बारिश का मौसम बना देता है तुरंत, तो इसीलिए छाता वगैरह ले लिए हैं। और हम लोग सीधा भी चलते हैं बारी तरफ। चलिए पापा, चलिए। और इधर देखिए दोस्तों, हमारे इधर काम भी चल रहा है रोड का, ये देखिए पूरा एकदम कोड़ा हुआ है। और देखिए गिट्टी वगैरह सब बिछा दिए हैं, पूरा प्लेन कर दिए हैं, अब इसमें अलकतरा लगेगा। तो हम लोग सीधे पहाड़ के किनारे किनारे चलते हैं दोस्तों, बारी इधर से ही जाते हैं। और आगे एक ठो कुआं भी कोड़ा हुआ है दोस्तों, लेकिन उसमें पानी वगैरह नहीं निकला है, ये देखिए पूरा एकदम भसक गया है, एकदम बारिश वगैरह हुआ ना तो पूरा धस गया है। ये देखिए कितना सारा मिट्टी गिरा हुआ है एकदम, लेकिन एक बूंद पानी नहीं निकला था कोड़ने के टाइम में। ये हमारे इधर पहाड़ी साइड में ना पानी नहीं निकलता है, तो हम लोग का तो संयोग है कि हम लोग का झरना जो है पानी निकला हुआ था, प्राकृतिक का देन था।
तो बढ़िया हम लोग का कुआं बन गया है, नहीं तो हम लोग को पानी पीने के लिए तरसना पड़ता है एकदम, इतना ज़्यादा दिक्कत होता है इस साइड में। देखिए पापा के पास लक्ष्मी कितना खुश है एकदम, ले लिए हैं पापा एकदम गोदी में। हरा भरा तिल, हाँ देखिए इसी को तिल बोलते हैं दोस्तों। ये देखिए यही वाला को देखने के लिए जा रहे हैं, ये हम लोग का बारी नहीं है, हम लोग का बारी आगे है, तो वहीं पर चल रहे हैं अभी। देखिए पापा आगे आगे जा रहे हैं लक्ष्मी को लेकर के, और देखिए कविता जी पीछे पीछे आ रही हैं क्या जी। देखिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों पहाड़ों का, ये देखिए, और मौसम भी ऐसा बनाया हुआ है ना एकदम पूरा ठंडा ठंडा एकदम, देखिए एकदम काला काला बादल छाया हुआ है, ना धूप है ना गर्मी है ना बरसात हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम किया है, इसीलिए हम लोग जा भी रहे हैं हम लोग बारी है ना जी, आज देख करके आते हैं, बहुत दिनों से गए हुए नहीं हैं क्योंकि मौका ही नहीं मिलता है उधर जाने का, तो हम लोग आज मौका मिला है तो चल रहे हैं। ये सब तिल अगर हो गया ना तो और कहना है। देखो तिल बारी में लक्ष्मी घूम रही है। हाँ चलो 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 चलो, तो बारी हम लोग पहुँच गए दोस्तों। ये देखिए हम लोग का तिल कितना अच्छा है, देखिए पूरा एकदम हरा भरा दिख रहा है एकदम, ये सब पकेगा ना उस समय देखिएगा कितना मस्त लगता है एकदम देखने में, और इसका तेल भी बहुत अच्छा होता है दोस्तों, बहुत मज़ा लगता है एकदम खाने में, सब्जी वगैरह बनाइएगा ना तो बहुत अच्छा लगता है, और माखने के लिए भी पूरा एकदम अच्छा होता है, तभी इसको तो बुने हुए हैं, बहुत मस्त हो रहा है, ये सब पक जाएगा उसके बाद में काटेंगे एक दिन, उसके बाद में इसको तेल बनाएंगे। देखिए कितना अच्छा तिल हो रहा है हम लोग का एकदम पूरा फूल गया है, ये देखिए कितना अच्छा एकदम यहाँ से वहाँ तक पूरा एकदम फूला हुआ है ना, तो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है। देखिए आगे आगे पापा जा रहे हैं और लक्ष्मी, उसके पीछे कविता जी हैं, और देखिए हम लोग का तिल पूरा एकदम झांटी जैसा हो रहा है एकदम। देखिए इधर हम लोग राहर भी बुने हैं दोस्तों, देखिए साइड साइड में दे दिए हैं तिल के बगल बगल में, देखिए कितना अच्छा ये भी हो रहा है एकदम, देखिए एकदम बढ़ गया है, ये भी कुछ दिन में फरेगा। तो अब चलते हैं दोस्तों, फटाफट लकड़ी वगैरह बीजते हैं उसके बाद में घर निकलेंगे। तो इधर ही हम लोग लकड़ी वगैरह बीजते हैं दोस्तों, देखिए कविता जी शुरू कर दी बीछना, देखिए इधर रखा हुआ है, देखिए काफ़ी सारा इधर लोग जो है ना काट काट के इधर छोड़ देते हैं, इधर फेंक देते हैं, वही सब सूखा हुआ है, यही सब को उठाते हैं और चलते हैं। तो हम भी साथ में बीजते हैं दोस्तों, जल्दी होगा। देखिए ये सब लकड़ी जो है ना पूरा सूखा हुआ है, ये सब को तोड़ तोड़ के ले जाते हैं। आप उठाते जाइए, हम इधर तोड़ते जाते हैं। देखिए इधर आए तो हम लोग को लकड़ी भी मिल गया एकदम सूखा सूखा एकदम क्या जी, और इधर लोग जल्दी नहीं ना आते हैं इसलिए बारी के किनारे ही मिल गया। तो इतना सारा लकड़ी हम लोग बीच लिए दोस्तों, और हम लोग बांध भी लिए हैं, अब हम लोग घर निकलते हैं। चलिए जी उठाइए, इधर से उठा देते हैं, खड़ा कर देंगे ना। चलिए देखो लक्ष्मी कहाँ बैठी है, लक्ष्मी कंधा में उठ गई ना, कहाँ पर बनेगा देखिए। भारी लग रहा है ज्यादा, थोड़ा सा भींग गया है ना पानी में इसीलिए हल्का हल्का भारी हो गया होगा। टांगी ले लो, चलिए छाता। लक्ष्मी एकदम कंधा पर बैठ गई है। लक्ष्मी घर चलेगा, चलो चलिए जी इधर से ही निकलते हैं। तो हम लोग सीधे घर चलते हैं दोस्तों, देखिए धीरे धीरे शाम भी हो रहा है। तो घर हम लोग पहुंच गए दोस्तों, आइए जी आइए पापा। देखिए लक्ष्मी यहाँ पर पूरा खुश है, चलिए ना अंदर में घुसा देते हैं, पानी नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगा। पटक दीजिए तो कहना सर। अच्छा पटक दीजिए, वहीं पर पटका गया ना, चलिए इसको पकड़िए।
तो हम लोग हाथ पैर धो करके आ गए दोस्तों, और देखिए हम लोग अदहन भी कर लिए हैं। अब हम लोग चूल्हा जलाते हैं। देखिए लकड़ी तोड़ तोड़ के रखी है कविता जी, इसको डाल देते हैं चूल्हा में। देखिए एक चूल्हा हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा सांगी देना पड़ता है तब जाके जलता है, नहीं तो जलता ही नहीं है, क्योंकि हल्का हल्का भींगा हुआ है ना। देखिए चलिए अब हो गया, हो गया। अब इसमें हल्का किरासन तेल डाल देते हैं दोस्तों, उसके बाद में जलाएंगे। देखिए इसमें है, डब्बा में करके देते हैं, थोड़ा सा सांगिए दे देते हैं तब जल्दी जलेगा क्या। तो मिट्टी तेल वगैरह डाल दिए दोस्तों, अब इसमें आग जलाते हैं। तो जलाएगा, तो अभी बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा था दोस्तों, हम लोग बाल बाल बचे। जैसे ही आग पकड़ लिया, हम लोग यहाँ पर पानी डाल दिए, देखिए पूरा एकदम भींगा हुआ है। देखिए यहाँ तक आग पकड़ लिया था एकदम। तो जैसे ही आग पकड़ा, हम लोग पानी लाए और उझल दिए एकदम चूल्हा में, तो पूरा एकदम निंझा गया है। तो पापा मम्मी अभी साइड करने में लगे हुए हैं दोस्तों, हम भी साइड कर देते हैं। इन लोग जैसे ही मतलब सुने कि पूरा एकदम हाथ से किया, उस समय पूरा एकदम दौड़ते हुए आ गए, और जैसे ही आए हम लोग यहाँ पर पानी डाल दिए और पूरा एकदम निंझा दिया आग को। देखिए ये सब में पूरा एकदम भींगा हुआ है, देखिए पानी उझल दिया एकदम सीधा, तो पूरा एकदम निंझा गया। और अभी साइड कर रहे हैं, ये सबको उधर कर देते हैं। सेंट एखनो तक नहीं भागा। सेंट लगते हैं। हाँ, जलल जलल एकदम पूरा दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, जो कुछ भी हुआ वो तो मेरा ही गलती था, हमको नहीं पता था कि इतना ज्यादा माटी का तेल चला जाएगा। तो हम थोड़ा सा एकदम डाले हुए थे, लेकिन हमको पता ही नहीं चला कि ज्यादा चला गया कि कम चला गया। और जैसे ही माचिस का तीली डाले ना, पूरा एकदम हाथ से आग पकड़ लिया, एकदम पूरा एकदम छितरा गया। तो हम लोग पूरा एकदम बाल बाल बच गए, और बच्चा लोग भी उधर था, साइड होकर के था, और नहीं तो पूरा एकदम बहुत बड़ा एकदम हादसा हो जाता, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। लेकिन चलिए भगवान ऊपर वाले हैं, सभी को बचा लिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ। तो अब चलते हैं दोस्तों, दूसरा चूल्हा में हम लोग खाना पीना बनाते हैं। यहाँ तो पूरा एकदम भींगा हुआ है, और अभी काफ़ी रात भी हो गया है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।